पांच दबाएं, कृपया लाइन पर बने रहें। आपकी कॉल कस्टमर सर्विस स्पेशलिस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। ये कॉल सर्विस क्वालिटी की जांच के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। एयरटेल में सही ना? हेलो, पैसा पूरा दिया है फिर भी मेरी नेट नहीं चलती है। सर आपके मोबाइल में जो इंटरनेट चालू नहीं हो रहा है, हम आपको जानकारी चेक करके बता रहे हैं। कभी कभी कलाक चलती है, कभी कभी चलती नहीं है। हेलो, हाँ बोलिए। बोलता हूँ, कभी कभी कलाक चलती है, कभी कभी चलती नहीं है। ओके सर, हम आपको जानकारी चेक करके बता देते हैं। सर अभी यहाँ से जो उसका रिचार्ज चेक कर पा रहे हैं, अभी तो आपके मोबाइल में इंटरनेट यूज नहीं हो पाएगा। क्यों? आपके मोबाइल में इंटरनेट का रिचार्ज डेटा एमबी अवेलेबल नहीं, इसके लिए आपको नेट के लिए रिचार्ज करवाना, उसके बाद में इंटरनेट चालू हो जाएगा। मैडम, जब काट लिया था तब तो ये टाइम शर्त मंजूर नहीं थी, अभी कैसे हो गई? लेकिन अभी तो कोई रिचार्ज नहीं है ना सर आपके मोबाइल में, रिचार्ज करवा पैरों में तो मेरा जीरो ही था ना। लेकिन डेटा एमबी तो था ना, इसके लिए चलता होगा। अब कोई भी डेटा नहीं है तो नहीं चलेगा। अरे पर रिचार्ज करवाना रहेगा आपको। अरे पर पैरों भी तो जीरो ही था ने, एक तो कभी कभी फोन भी नहीं आता है मेरे पास। अभी कुछ भी नहीं होगा, अभी आपको रिचार्ज करवाते हो उसके बाद। तो मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है, कितने का करना पड़ेगा? अभी आपको रिचार्ज करवाना है ना डेटा एमबी, तो हम आपको जानकारी बता देते हैं कि कैसा के कौन सा करना है। थोड़ी बहुत लाइन पे बने रहिए। हाँ बताए। तो अभी आपके मोबाइल नंबर पर नेट और कॉलिंग के लिए दोनों के लिए रिचार्ज करवाना है ना, तो ऑफर अवेलेबल रहेगी आपके नंबर पर 219 का। लोकल एसटी मोबाइल कॉलिंग फ्री रहेगा, रोमिंग में भी यूज होगा। तो मेरा महीना फ्री है, वो कितने बनेगा? अभी फ्री वाला रिचार्ज नहीं है आपके मोबाइल में। क्यों मैडम, मैंने अभी तो टे दिए थे सिम लिए। कब लिया था? अभी 100 रुपया खर्चा करके सिम लिया है मैंने। तो जहाँ से सिम का लिया वहाँ का संपर्क कर लीजिए, अभी कोई भी रिचार्ज आपके नंबर पे हुआ नहीं है। मैडम वो 4-5 दिन चला तो था। अब चला था, जब तक अवेलेबल था तब तक चला था। अभी तो खाली 5 दिन है 100 रुपए में। अभी नहीं है तो नहीं चलेगा, जहाँ से सिम का लिया वहाँ जाना रहेगा आपको। नहीं नहीं, आप कूर गालाते हो, अभी तुम ऐसे कूर नहीं गालो। हम ये ऐसे नहीं कर पाएंगे, रिचार्ज करवाते तो ही उसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नेट चालू नहीं होगा। यहाँ नहीं चलेगा, अभी मैं हो तुम्हारे सीनियर को ट्रांसफर करो। सर सीनियर से बात करोगे वही भी यही जानकारी मिलेगा, नेट का रिचार्ज नहीं तो इंटरनेट चालू नहीं होगा। मैडम सब कंपनी वाला यही कहता है भाई, सीनियर से बात करोगे वो भी यही बताएगा। सर रिचार्ज करवाते हो तो चलेगा ना इंटरनेट आपके मोबाइल। मैडम मैंने 100 रुपया दुकानदार को दिया है, मेरा 1 महीना फ्री है। ₹100 आपने दुकानदार को दिया है ना, तो वहाँ का संपर्क कर लीजिए, अभी मैं उधर जाएंगा तो मेरा 5 रुपया भाड़ा लगेगा, वो कौन देगा? ठीक है, आपको जाना रहेगा तो भाड़ा तो आपको ही देना रहेगा ना सर। तो मैडम मेरे को आपकी कंपनी से बोला गया महीना फ्री है, मेरे को मिला ही पंचनी है खाली। नहीं बोला गया था ना, आपने जहाँ से सिम करी है वहाँ से बोला गया, तो वहाँ पे आपको जाना रहेगा। तो अभी मेरी कॉलिंग भी बंद हो गई। हाँ तो अभी कॉलिंग भी नहीं जाएगा, कॉलिंग का भी बैलेंस जीरो, कॉलिंग भी नहीं जाएगा, रिचार्ज करवाते तो पैरों भी तो जीरो ही था ना, बोकियाँ लगती थी। पहले जीरो था तब लगती थी तो अच्छी बात थी, अभी नहीं जाएगा। अभी आपको रिचार्ज करवाते हो तो ही जाएगा, अदरवाइज सभी सर्विस सबके मोबाइल में बंद रहेगी। ऐसे नहीं हम सिम कार्ड रखते हैं फिर तुम टंगा मथा रखते ही हो, पैरों नहीं रखते हो। तो जहाँ से रिचार्ज गया है वहाँ का संपर्क कर लीजिए। अभी मैं उतने बनता है तो तुम्हारे कहाँ गालाता है बराबर? ठीक है, तुम आकर संपर्क कर लीजिए। हाँ उतने बनता है, आप कॉल ना लो एयरटेल में कॉल करने के लिए।